Today our interview is based on medical representatives. As we know, medical job is a challenging job and it is not a bed of roses. Many times ये question पूछ लिया जाता है कि medical rep का जो job है वो bed of roses नहीं है, क्या आप इसको accept करोगे? तो ऐसी questioning भी इस profession की एक importance है. आज हमारी team है हमारे साथ, we have our Rajni, Nutan and Yashpal who is about to give interview in front of us. So friends, this is a mock practice ताकि आपका बेनिफिट हो सके. आप में से जो भी बच्चा बैंक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहे तो वो इस इंटरव्यू के थ्रू बहुत सी हेल्प ले सकता है. तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट द कैमरा दैट इट शुड शिफ्ट टू यशपाल. यशपाल वेलकम प्लीज. मॉर्निंग, प्लीज़ हैव योर सीट. यस ओके, प्लीज़ कम लिटिल बिट मोर फ्रंट. आर यू कम्फर्टेबल? ओके यशपाल, टेल अबाउट योर सेल्फ प्लीज़. Myself, Yashpal. Okay. Anything about you, your education, your hobbies? I am graduate in art from Raja Ganga Singh University. Okay. I have been working at medical store for 5 years. Yes. My hobbies, new personality, meeting and traveling. Okay. I am a honest and punctual person. Very good. आपको लगता है आप एक ईमानदार आदमी हो? Yes, sir. तो कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हो मेडिकल इंटरव्यू में कि आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको प्रूव करो हमारे सामने. तो मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ कि आप अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करो कि आप एक ईमानदार आदमी हो. क्या प्रूव कर सकते हो किसी एग्जांपल के थ्रू? तो देखिए ड्यूरिंग एन इंटरव्यू व्हाट हैपेंस, मैं चाहता हूँ कि हर मेरे सेशन के अंदर जो भी हम वीडियो आपको दे रहे हैं मेडिकल लैब का खास करके, उसमें नया सेशन हो, हमेशा एक नई क्वेश्चनिंग हो, नई बातें हो, ताकि जो बच्चे ने मेरे अभी तक के इंटरव्यूज देख लिए हैं उनको नए वीडियोज के अंदर नई नई बातें मिले. तो जो क्वेश्चन मैंने पूछा है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चाहे आप अपना स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस बताते हो, चाहे आप अपनी स्ट्रेंथ ऑनेस्टी बताते हो, चाहे आप अपनी स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन बताते हो, आप पंक्चुअलिटी बताते हो, आप कुछ भी बताते हो, मगर इंटरव्यूअर आपसे कई बार ये बात पूछ लेता है कि प्रूव इट, आप इसको प्रूव करो. तो एक अच्छा एग्जाम्पल प्लान करके सोच कर आपको जरूर जाना चाहिए. जैसे आप ऑलरेडी मेडिकल स्टोर पर जॉब करते हो तो कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जहाँ पर आपने ऑनेस्टी दिखाई हो, जैसे कस्टमर के पैसे रह गए हो, कोई बात रह गई हो, कोई मोबाइल रह गया उसका और आपने अपनी ईमानदारी से उसको वापस दे दिया हो, तो वो चीज़ शो करती है कि आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो. अगर आप कॉन्फिडेंट पर्सन हो तो आप अपना कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, सर मैं बी ए स्टूडेंट हूँ, मेरे बहुत से दोस्तों ने बोला था कि बी ए स्टूडेंट मेडिकल रैप नहीं लग सकता, मगर मैंने नॉलेज गेन किया और अपने आप को प्रूडेंशियल बनाया इस फील्ड के अंदर, साइंस के अंदर, और आज मैं सक्षम हुआ हूँ सर अपने कॉन्फिडेंस की वजह से कि मैं आज आप रिस्पेक्टेड लोगों के समक्ष बैठने का मुझे मौका मिला है. I really get a pride to sit in front of you respected people. तो इस तरीके की बात अगर तुम इंटरव्यू को बोलते हो तो उसको बहुत अच्छा फील होता है, राइट? देखो मेजर क्वेश्चंस तो बहुत है इंटरव्यू के, पर हम अपनी टीम को भी चांस देते हैं कि ये भी कुछ पूछे आपसे. प्लीज टीम आस्क क्वेश्चंस. कैन यू वीकनेस? माय वीकनेस इज इंग्लिश फ्लुएंसी एंड ग्रामर. ओके, यू बिलीव दैट लिटिल बिट ग्रामर इज वीक? यस. ओके, यस प्लीज. एंड योर करियर गोल्स? I want to make my career in pharmaceutical profession. Okay, wonderful. Means आप pharmaceutical के अंदर grow करना चाहते हो? Yes. तो आप manager तक बनना चाहोगे या आप ये हमेशा life में medical rep ही बनना चाहोगे? I wish my career in yes. Join as a medical rep and can become since. सीनियर मैनेजर. ओके, तो बहुत अच्छी बात है. देखो आप अगर सीनियर मैनेजर तक बनना चाहो, क्योंकि हर मैनेजर पसंद करता है कि मेरी तरह ये बच्चा बने, मेरे से भी आगे बढ़े और खूब आगे फ्लरिश करे. तो फार्मास्यूटिकल का एक गोल्डन रूल सुन लो फ्रेंड्स, जो भी आप मेडिकल रैप बनना चाहते हो, चाहे आप बी ए हो, बी कॉम हो, बी एस सी हो, मैटर नहीं करता, क्योंकि हर किसी के लिए सीढ़ी यही है. चाहे वो बी फार्म है तो भी वो इस सीढ़ी से ही चढ़ेगा. डिफरेंस क्या रह जाता है? पैशन का. जब आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इंटरव्यू देखना चाहता है कि यार इसके अंदर क्या है. आप मेडिकल रहे भले ही 10 साल रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एटलीस्ट जब आप इंटरव्यू चैम्बर में बैठो तो एक पैशन शो करो कि सर मैं बहुत जल्दी मैनेजर बनना चाहता हूँ, मैं अपने आप को बैग उठाकर नहीं चलना चाहता, मैं चाहता हूँ मैं जल्दी जल्दी फ्लरिश करूँ, आगे बढ़ूँ. तो इट इज़ अ डिमांड ऑफ एन आर, आज की जरूरत है ये, राइट? और जरूरी भी है. देखिए मान लीजिए हमें आपको एक सिचुएशन देते हैं, हम आपको एक सिचुएशन देते हैं कि हमारे जितने भी मेडिकल रैप या एस्पिरेंट्स जो बनना चाहते हैं एमआर, उनके लिए एक बेनिफिट की चीज़ बताता हूँ कि हम तीनों मेडिकल स्टोर पर हैं और आप एमआर बन चुके हैं. Yes. और अब आपको रिटेलिंग करनी है, आपको सर्वे करना है, आप कैसे करोगे? हम बैठे अपनी शॉप पर और बात कर रहे हैं, आप आइए हमारे पास, हमसे बात कीजिए.
और सर्वे कीजिए अपने प्रोडक्ट का। मान लीजिए आपके कफ सिर्फ आती है और आपको और कफ सिरप्स के बारे में हमसे पूछना है, कितनी चलती है, क्या चलती है, कौन सा डॉक्टर लिख रहा है, क्या लिख रहा है, ठीक है ना, हम आपको बताएंगे। मगर ये बेनिफिट देगा उन लोगों के लिए जो मेडिकल रैप बन चुके हैं या बनना चाहते हैं, वो रिटेलिंग कैसे करते हैं, उनके लिए बेनिफिट रहेगा। तो प्लीज एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, हम तीनों बात कर रहे हैं आपस में, आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, यस, क्या जानना चाहते हैं आप? ओके, वेरी गुड, बताइए हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। मेरे कंपनी कुछ प्रोडक्ट हैं। ओके, इसमें बताइए सर कौन सा यहाँ अवेलेबल हो सकता है आपने यहाँ। देखिए प्रोडक्ट तो इसके हमारे पास सारे हैं, मगर हमें, हम तो ये जानना चाहते हैं कि आप सर्वे किसका करने आए हो, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें आप सर्वे करना चाहते हो? सर फोर ब्रांड्स। ओके, कौन कौन से ब्रांड है आपके? सर सोमडोलेस्पी सर। ओके, थोड़ा जोर से बोल सकते हैं प्लीज? सोमडोलेस्पी कॉम्बिनेशन ऑफ साइक्लोपेरासेरा। ओके, एंड सोमपोर्ट सीरीज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेफोडोजिन प्लस पोटेशियम क्लाविनेट। वेरी गुड, तो हमारे पास एसिक्लोफेरिक तो हम बहुत बेचते हैं, जीरोडोन बेचते हैं, हमारे पास और भी बहुत सी कंपनीज है जो हम एसिक्लोफेरिक बेचते हैं। यस सर, श्योर, तो बट माय प्रोडक्ट इज वेरी लो कॉस्ट। ओके, ओनली फॉर जस्ट फॉर 6 रुपए पर टैबलेट्स एंड बट मैनकाइंड का ब्रांड तो मेरे ख्याल से 5.5 का ही है और एफडीसी का तो उससे भी कम है, तो हम आपका ब्रांड क्यों लें? और स्कीम कितनी दोगे आप हमें? स्कीम सर करवा सकते हैं। ओके, आप स्कीम करवा सकते हैं, मगर मैं आपको एक बात के इंटरप्ट करूंगा यशपाल यहाँ पर, कि जब भी आप कभी भी किसी से रेनी बात करें मेडिकल प्रोफेशन की और हम अपने प्रोडक्ट को बेचने निकले हैं, तो प्राइस जो है वो हमेशा लास्ट में डिस्कस किया जाता है, हमेशा पहले बात की जाती है क्वालिटी की, अंडरस्टूड। आप डॉक्टर से भी अगर बात करें ना, तो सीधा डॉक्टर को जाकर मत बोलना कि मेरी दवाई सस्ती है या महंगी है, डजेंट मैटर, 1 or 2 rupees, 5 rupees, 15 rupees, डजेंट मैटर फॉर अ पेशेंट, वो सही होना चाहिए बस। तो जो क्राइटेरिया जो रहता है वो ये रहता है कि जब एज अ मेडिकल रैप आप जाते हो और आपको सर्वे करना है, एज्यूम करते हैं कि आप तीनों जने रिटेलर्स हैं और मैं मेडिकल रैप हूँ, तो सबसे पहले तो मैं आपको विश करूंगा और एक अच्छी स्माइल के साथ, गुड मॉर्निंग सर, मैडम गुड मॉर्निंग, ऐसे करके, ठीक है। फिर आप पूछेंगे सर कि हमारे यहाँ पर सर कफ सिरप चलती है सर, आपके यहाँ चलती है सर कफ सिरप, आपकी शॉप पर चलती है? ओके सर, कौन कौन सी सिरप आप निकलती है सर ज़्यादा यहाँ पर? ओके, किस कंपनी का सर ये? एस्ट्राजेनिक। और सर कोई ब्रांड? कोरेक्स चलती है आपके यहाँ पर, किसका है सर ये? फाइजर कंपनी है। ओके, और सर नेक्स्ट ब्रांड आपका कोई चलता हो यहाँ पर बहुत ज्यादा? कोजोम सर। कोजोम, किसका है सर ये? ओके, और कोई ब्रांड सर चलता हो? इस तरीके से मैं आपसे नॉलेज लेता जाऊंगा, फिर मैं आपको बोलूंगा कि सर एक मेरा ये ब्रांड आता है, मैंने डॉक्टर साहब से बात करी है और रिक्वेस्ट करी है कि डॉक्टर साहब आप हमारा जरूर लिखिए, तो सर मैं चाहता हूँ थोड़ी अवेलेबिलिटी रहे इस प्रोडक्ट की और मुझे उम्मीद है सर इसकी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास जरूर आएगी, तो प्लीज़ इसको आप अवेलेबल दीजिए। और ऑलरेडी अगर आपका ब्रांड एस्टेब्लिश्ड है तो आप पूछ सकते हो कि सर मेरा सर्वे इस बेस पे है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि वीक में 2 days, 5 days के अंदर मेरा प्रोडक्ट कितना चलता है, अंडरस्टूड, कि सर मेरा ये ब्रांड चल रहा है, सर ऑन एन एवरेज कितना चल रहा है, सर हफ्ते में कितना लिखा जाता है, सर 4-10 दिनों के अंदर कितना निकल जाता है, सर महीने में एक बॉक्स निकल जाता है, सर कितनी बॉटल्स निकल जाती है, सर 10 बॉटल्स निकल जाती है, यानी कि आप अपने क्वेश्चन को जितना छोटा बनाकर पूछोगे ना उतना वो क्लियर जवाब देगा। आप उससे पूछोगे मेरी कितनी बॉटल्स निकलती हैं, वो जवाब सही नहीं दे पाएगा, आप उसको छोटा बनाइए। आप बोलिए सर 10 दिनों के अंदर 10 बॉटल निकल जाती है, वो कहेगा नहीं यार क्या बात करो, 10 दिन में तो तेरा डब्बा निकल जाता है, 50 बॉटल निकलती है तेरी, बोला ना उसने, मगर तुम बोलोगे कितना, तो आपका जो क्वेश्चन है वो ओपन एंडेड हो गया और ओपन एंडेड क्वेश्चन के अंदर उसके पास कोई जवाब नहीं है, वो कहेगा बहुत, और बहुत का कोई जवाब है क्या, 500 भी हो सकती है और 50 भी हो सकती है। तो आप हमेशा रिटेलर से क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछो, यानी कि अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन के बारे में भी, अपनी दवाई के बारे में पूछना है या कोई ब्रांड पूछना है, आप उससे यूं मत पूछिए कितने डब्बे निकलते हैं ना, सर रोज का एक स्ट्रिप निकल जाती है सर, वो क्या रोज की 5 स्ट्रिप निकल रही है यार, अब आप एवरेज लगा लो फटाफट मल्टीप्लाई करके, हाँ भाई एवरेज स्ट्रिप ये इतनी, एक स्ट्रिप इतनी, 15 टैबलेट्स है, मल्टीप्लाई करो अपना निकाल लो, अंडरस्टूड, इस तरीके से आप सर्वे करो, वो आपको बेनिफिट देता है, अंडरस्टूड। एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज? कोई बॉडी सिस्टम्स का आपको नॉलेज है? जैसे हमारे जो बॉडी सिस्टम है उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं बॉडी के, तो हमारे ऑलमोस्ट कितने ऑर्गन्स हैं टोटल हमारी बॉडी में, कितने सिस्टम्स हैं? 7 सिस्टम्स हैं, मगर मैं तो आपको कहूँगा 10 सिस्टम्स हैं, आपको मालूम है, और 10 से भी मैं बढ़ा सकता हूँ, देर आर अबंडेंस ऑफ सिस्टम्स इन आर बॉडी। जब स्किन सिस्टम है किसी ने नहीं सुना होगा, शायद लिम्फेटिक सिस्टम किसी ने नहीं सुना होगा, हम जो ज़्यादातर रहते हैं इसमें ही घूमते रहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, कोई नाम बता सकते हो किसी का? बताइए, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, और कोई? नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी, यस, रेस्पिरेटरी, वेरी गुड, कुछ और? एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन, वंडरफुल,
यूरिनरी सिस्टम अबंडेंस, नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। तो आपके पास नाम तो है, एक्सप्लेनेशंस भी है आपके पास इनकी, वंडरफुल। आपके पास एक अच्छी एक्सप्लेनेशंस होनी चाहिए। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या क्या होता है? रेस्पिरेटरी फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ करेक्टिव ऑफ अरेस्ट द कैन अवर ग्रोथ एंड किल द अदर बैक्टीरिया। ओके, मगर ये तो मैंने आपसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछा, मैंने आपसे एंटीबॉडीज नहीं पूछा है। आप ध्यान दो मेरी क्वेश्चनिंग के, कि रेस्पिरेशन के अंदर हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, अंडरस्टूड? फिर हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे अपर ट्रैक और लोअर ट्रैक्स, राइट? लोअर ट्रैक्स के अंदर क्या क्या आता है? ब्रोंकाई, ब्रोंकाइल्स और लंग्स एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट? अपर के अंदर नोज आता है, लैरिंक्स। वेरी गुड, आपको नाम याद है, इट इज गुड। मैं आपको डिटेल में नहीं पूछूंगा, मगर आपसे जस्ट पूछूंगा, आपने मेडिकल रैप बुक को पढ़ा अभी तक? पढ़ा है। इसमें हमने ड्रग्स की स्टडी की थी, ड्रग्स की स्टडी, कि ड्रग्स क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है, पेन किलर होती है, कुछ पढ़ा था ऐसा? कुछ कुछ पढ़ा था। तो मुझे आप बताइए NSAID क्या होता है? NSAID क्या होता है? ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। वेरी गुड, इन्फ्लेमेशन, यानी कि इन्फ्लेमेशन को रोकने वाला NSAID कहलाता है, अंडरस्टूड? इन्फ्लेमेशन क्या होता है, कोई डिफाइन कर सकता है इन्फ्लेमेशन को? Yes. It is body's response to inflammation. To injury. It is body response to injury or infection is known as inflammation. हमेशा ध्यान रखना है, definition आपके बहुत काम आती है। Inflammation का मतलब क्या है? हमारे कोई injury या फिर infection हो जाए, तो जो body respond करेगी, जैसे या तो body गर्म हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं कि it become heat produces, या वहाँ दर्द होगा, तो it's a pain dollar. नेक्स्ट इज स्वेलिंग हो सकती है, लॉस ऑफ फंक्शन हो सकता है, ये उसके साइंस है, एग्री करते हो? Yes. कुछ क्लासिफिकेशन होती है NSAID की, आपने पढ़ा है कभी? Yes. क्या होती है क्लासिफिकेशन, बता सकते हैं हमको आप? बेस्ड ऑन सेलेक्टिविटी एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन, वंडरफुल। सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव दो होती है। सेलेक्टिव वो NSAID होती है जो सिर्फ कॉक्स टू इंजाइम यानी PG2 को रोकेगी या फिनिश करेगी, और कॉक्स वन को स्पेयर कर देगी, क्योंकि कॉक्स वन हमारा फ्रेंड है और कॉक्स टू इंजाइम हमारा दुश्मन है। तो मैं अपने कलीग्स को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हमारे इन्फ्लेमेशन होता है, अगर मैं आपको इस बात को हिंदी में एक्सप्लेन करूं, तो जब कभी हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, तो एराकिडोनिक एसिड हमारी बॉडी में क्रिएट होता है, वहां से दो एंजाइम्स बनते हैं, कॉक्स वन कॉक्स टू, जिनकी फुल फॉर्म होती है साइक्लोऑक्सीनेज वन साइक्लोऑक्सीनेज टू, जो कि क्रिएट करते हैं आगे जाके प्रोस्टाग्लैंडिन वन और प्रोस्टाग्लैंडिन टू। अब जो कॉक्स वन है, ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट है, क्योंकि ये GI ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करता है, मगर जो कॉक्स टू है, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो अब क्या होता है, हम जो NSAID खाते हैं, चाहे कोई भी पेन किलर हो, चाहे हम कोई भी दर्द की गोली खा रहे हैं, वो दर्द की गोली हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रही है। अल्सर क्रिएट होते हैं, आपने सुना होगा, क्रिएट अल्सर्स, किडनी डिसफंक्शंस होता है NSAID से। तो ऐसा किया गया, सिलेक्टिव दवाइयां बनाई गई, जैसे निमेसलाइड या फिर एटीरोकॉक्सी, क्योंकि सेलिकोक्सी रोफिकोक्सी तो बैन हो चुकी है, तो हम बात कर सकते हैं एटीरोकॉक्सी की। एटीरोकॉक्सी NSAID अभी चल रहा है, इवन निमेसलाइड अभी भी चल रहा है, मगर निमेसलाइड के लिए मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि कभी भी छोटे बच्चों को निमेसलाइड नहीं देना चाहिए। इवन सिरप्स अवेलेबल है मार्केट में, मगर नहीं देना चाहिए, इट इज वेरी हार्मफुल, क्योंकि NSAID जो निमेसलाइड है, ये हमारे लीवर को बहुत डैमेज करती है। तो प्लीज जितना हो सके आप इसको अवॉइड कीजिए। हमारे देश में तो कॉम्बिनेशन भी चलते हैं, मगर आप हैरान हो जाओगे सुन के कि यूरोपियन और अदर कंट्रीज के अंदर कॉम्बिनेशन आर नॉट अलाउड, और पैरासिटामोल एंड NSAID का कॉम्बिनेशन तो कभी भी नहीं एक्सेप्ट करते। तो ये कहते हैं कि आप एक दवाई के बीच में हमेशा 5 मिनट का गैप भी कीजिए, मगर हमारे भारत में क्या होता है कि हमें अगर 3 गोलियां खानी है, तो हम 3 गोलियां एक साथ निकालते हैं और पानी का गिलास रखते हैं और एक साथ 3 पेट में डाल लेते हैं, चलने राइट। अब वो सबके बायोलिटी अलग है, सबकी हाफ लाइफ अलग है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्रैश करेगी एक दूसरे को, तो इट इज वेरी हार्मफुल, राइट? मुझे उम्मीद तो है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पर अभी भी कोई वीकनेसेस है आपके अंदर जो कहीं ना कहीं हमें रोकेगी इस बात के अंदर। तो मैं कलीग से पूछना चाहूंगा कि कोई वीकनेसेस है इनके अंदर आपको लगता है? कॉन्फिडेंस की कमी आपको लगती है? ओके, तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, क्योंकि ये फार्मा की जॉब है, यहाँ पर आपको बहुत हर तरीके के लोग मिलेंगे, राइट? आपके साथ बुरा एक्सपीरियंसेस भी होगा, आपके साथ अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा, आपको बहुत से डॉक्टर्स हैं जो रेस्पेक्ट भी करेंगे, बहुत से डॉक्टर्स हैं जो रिगार्ड नहीं भी करेंगे, बहुत से रिटेलर्स ऐसे जो आपको ऐसे ही बोलेंगे नहीं हमारे पास ट्रेनिंग बाद में आना, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको काम है, आपको देखना पड़ेगा ये फ्री कब है, कब मैं इससे बात कर सकता हूँ, अंडरस्टूड? तो ये आपके ऊपर है कि प्रोस एंड कॉन्स, तो कॉन्फिडेंस तो लाओ ही लाओ, एज शी स्टेटेड कॉन्फिडेंस प्लेज अ वाइटल, कोई कॉन्फिडेंस के लिए इनको कोई गाइड करोगे आपकी, कैसे ये कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं? लेकिन जितने क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, आप उनको अच्छे से करके जाओ,
जैसे अभी मैंने हमने नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे, तो उनका अभी आपने कोई मतलब अच्छा सेटिस्फाई आंसर नहीं दिया, तो उनके लिए आप प्रिपेयर रहो। एक नॉर्मल टर्म्स जो हैं आपको एड्स का, एसटीडी या एचआईवी का फुल फॉर्म पता है? आपको मालूम है बिल्कुल, इट्स अ नॉर्मल, ये नॉर्मल चीज है, 8th क्लास के स्टूडेंट को भी पता है, तो आप इसके बारे में नॉलेज जो कुछ थोड़ी सी फुल फॉर्म्स आपको पता, कोई ड्रग्स के बारे में बताओ। इवन मैं अपने ऑडियंस को सजेस्ट करूंगा कि वो फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोकाइनेटिक, डायनेमिक दोनों को काम करें। मैंने आपको शायद एक्सप्लेन भी किया फार्मेकोडायनेमिक कि बॉडी ड्रग कैसे रिएक्ट करती है बॉडी पे, और काइनेटिक इज व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। तो फार्मेकोलॉजी आप अच्छे से पढ़ के जाओ, इवन हाफ लाइफ करके जाओ। हाफ लाइफ स्टूडेंट्स अगर आपसे कल कोई कोई पूछ भी ले कि हाफ लाइफ क्या होती है सर, तो इट इज द टाइम टेकन बाय द ड्रग टू रिड्यूस 50% कंसंट्रेशन इन द बॉडी। मतलब 50% जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर कब एस्टेब्लिश हो गई, यानी कि प्लाज्मा लेवल के अंदर चली गई है, उस समय को हाफ लाइफ बोलते हैं, जितनी आधी दवाई हमारी बॉडी के अंदर चली गई है। अब आते हैं क्वेश्चन बायोबिलिटी। कई बार इंटरव्यू आपसे पूछ लेगा कि बायोबिलिटी क्या होती है ड्रग की, तो बायोबिलिटी के लिए आपको एक एक्सप्लेनेशन हम दूसरे एंगल से करेंगे। देखिए, आपने कभी सोने के बैंगल्स वगैरह सुने होंगे या रिंग वगैरह सुनी होगी, तो आप ये मानते हैं कि सोना कभी प्योर नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत पीतल डलता है तभी तो बनेगा, वरना तो सोना ऐसे मुझ जाएगा। तो आपके पास कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीतल होगा उसमें। अब देखिए, जब कभी ड्रग बनती है तो उसमें कुछ ऐसा पाउडर भी होगा, कुछ ऐसा मेटेरियल भी होगा जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट नहीं है, नॉर्मल है, खा लो तो भी कोई बात, नहीं खाओ तो मतलब यूजलेस है। तो देखिए, 5% वैसा भी होता है, पॉइंट कुछ परसेंट होता है, हर ड्रग की अलग अलग बायोबिलिटी होती है कि कितना परसेंट वो ड्रग इफेक्टिव है। तो किसी की 97 होती है, किसी की 98, 93 की होती है, 92, अलग अलग होते हैं। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है। इवन टीमैक्स और सीमैक्स भी आप करके जाओ, इंटरनेट वगैरह पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। नूतन, आपको क्या लगता है इनके अंदर वीकनेसेस, आपको क्या लगता है क्या चीज इंप्रूव होनी चाहिए? थोड़ा सा जोर से आप ऑडियंस को बताइए। वॉइस थोड़ी सी लाउड होनी चाहिए। ओके, सो सबसे पहले तो आपने वॉइस के ऊपर कमांड, क्या कर सकते हैं अपनी वॉइस को कमांड करने के, इनको क्या करना चाहिए? मिरर एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। तो मिरर एक्सरसाइज हमारे पिछले लेक्चर्स में हमने कई बार एक्सप्लेन करी है हमारे ऑडियंस को। अगर आप मिरर एक्सरसाइज ढूंढोगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और कई ऐसे लेक्चर्स हैं जिसमें हमने मिरर एक्सरसाइज दी है, प्रेजेंट करी है। रिकॉर्ड योर वॉइस ऑन योर फोन, वंडरफुल, दिस इज अ नाइस एक्सपीरियंस। आपने वॉइस को खुद रिकॉर्ड करो, आंसरिंग दो और सुनो उसको कि मैं जवाब कैसे देता हूं, तो आपको ज्यादा पता लगेगा कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, बस इन कमियों को मैं हटा लूं तो मैं वाकई में स्टार बन सकता हूं। और कोई कमी नूतन आपको लगती होगी, सर ये भी कमी है अभी इनमें और ये कमी और ये इंप्रूव करें? ओके, आप गर्ल्स से शादी तो नहीं करते? ओके, देखो किस तरीके का मेंबर मिल सकता है, आपकी आरएम हो सकता है एक फीमेल मेंबर हो, तो आपके अंदर गट्स होने चाहिए हर तरीके के मेंबर से डील करने का, राइट? कल को आप किसी जगह डॉक्टर पे जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको गायनेकोलॉजिस्ट मिलेगी, उस समय आपके अंदर गट्स होने चाहिए। आप गायनेकोलॉजिस्ट से कैसे डील अप करते हो, कैसे उनसे बात करते हो, राइट? यस, मोर, आई थिंक ओके। सो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर खास करके उन लोगों के लिए जो एमआर बनना चाहते हैं, राइट? तो हमारी भी यहाँ पर एक फैसिलिटी है अवेलेबल जो रहनी आपको कॉपरेट करेगी। रहनी इस बुक के बारे में आप डिटेल हमारे ऑडियंस को बता सकते हो कि अवेलेबल है, किस तरीके से मिलेगी उनको? सर, इट्स एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इंटरव्यू बुक। सो आप इसको किसी भी, आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप आपका नंबर दे दीजिए या फिर अपना एड्रेस, ताकि हम आपको कॉरियर कर सकें। बहुत दूर दूर से इसको हमने प्रोवाइड करवाया बाय कॉरियर, तो आप अपना एड्रेस कमेंट बॉक्स में लिख के हमें दे सकते हैं या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं नंबर पे, जिसके द्वारा हम आपको ये बुक प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप सच्ची में स्टार मेडिकल रैप बनना चाहते हैं या आप ऑलरेडी मेडिकल रैप और मैनेजर बनना चाहते हैं, तो भी ये बुक आपके लिए फ्रूटफुल है, क्योंकि इसके अंदर वो आंसर्स हैं जो बेसिकली हमारे माइंड के अंदर फटाफट नहीं आते। अगर हम इस बुक को खोल के आपको कुछ सेटअप करें, तो इसमें क्वेश्चनिंग में हर तरीके का क्वेश्चन है। अगर हम फर्स्ट से लास्ट तक चलें, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियस है, डिस्क्राइब योरसेल्फ, नेक्स्ट इज रोल ऑफ मेडिकल रैप, एंड थर्ड इज स्ट्रेंथ्स वीकनेस, व्हाई डू यू चूज दिस करियर, व्हाई शुड यू सेलेक्ट यू, व्हाट आर योर हॉबीज। तो इस तरीके के क्वेश्चनिंग आपको मिलेंगे, राइट? तो जितने भी नंबरनेस ऑफ क्वेश्चंस है, आई बिलीव इसके अंदर रहनी, देर आर 108 क्वेश्चंस। जैसे एक माला के अंदर 108 बीट्स होते हैं, उसी तरीके से हमारी इस बुक के अंदर 108 क्वेश्चंस हैं। तो ये आपके ऊपर, आप कितने पढ़ते हो, कितने की प्रैक्टिस करते हो, अंडरस्टूड? तो वी होप यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेसफुल। प्लीज इनको बेस्ट विशेस दो, हैव अ हैंडशेक, एंड आई वांट दैट यू विल डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड। ओके, मे गॉड ब्लेस यू एंड यू विल गेट सिलेक्टेड। थैंक यू, थैंक यू।